मून लैंड, आप इसका ये लैंडस्केप देख सकते हैं। गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन फ्रॉम सोमोरी लेक। देखिए अभी लगभग सुबह के 8:30 बज रहे हैं और कल रात हमने यहाँ पे गाड़ी लगाया था, इसी गाड़ी में हम सोए भी थे। आपने पता नहीं क्यों मुझे और बाजी को भी हाई ऑल्टीट्यूड की वजह से या फिर किसी और चीज़ की वजह से बहुत ज़्यादा सर में दर्द था, ठीक ढंग से हम सो भी नहीं पाए। और मेरा तो अभी ठीक है लेकिन पाजी के सर में अभी भी दर्द है। मेरे को ऐसा लग रहा है कि कल हमने सुबह में ब्रेकफास्ट में सिर्फ वो जो खाया था ब्रेड ऑमलेट, और उसके बाद फिर कुछ नहीं खाया। फिर शाम में आकर के हमने जो सैंडविच बचा हुआ था परसों का वो खाया, कल हम ठीक ढंग से कुछ खा भी नहीं पाए। कि अभी हमने खुद से अंडा बॉयल करके वो खाया है 3 अंडा। तो अभी का सीन ये है कि अभी हम थोड़ा सा इधर से जाएंगे सोमोर लेक की तरफ, थोड़ा ऊपर टॉप से, और थोड़ा सा इसका नज़ारा लेंगे, और उसके बाद यहाँ से आज हम सीधा निकलेंगे लेह की तरफ। लेह यहाँ से लगभग मेरे ख्याल से 150 किलोमीटर होगा यहाँ से, और रास्ते भर में बहुत सारा सीनिक आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। जहाँ पे हम पिछली बार बैठ के सैंडविच बनाया था वहाँ पे हमारा इरादा है कि बैठ करके कुछ हम लंच बनाएंगे। जब आप सफ़र में होते हैं तो खाना पीना थोड़ा सा आपके लिए वो हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, स्पेशली जब आप अकेले हो या फिर है ना, मतलब डिपेंड हो कि आप खुद से बनाओगे। अगर आप डिपेंड होते हो पैसे के ऊपर तो आप कहीं भी बैठ के आराम से इजीली खा सकते हो, लेकिन हमारे साथ ऐसा कुछ नहीं है, हम खुद से बनाते हैं, खुद से खाते हैं। तो इसलिए बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि खाना नहीं भी खाते हैं थक जाने की वजह से, और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि हम खाना बना भी लेते हैं। और देखिए अभी यहाँ पर थोड़ा ना क्लाउडी है, धूप बहुत अच्छे तरीके से नहीं निकला है। अगर अच्छे तरीके से निकलता तो समुद्र लेक थोड़ा और भी ज़्यादा अच्छा दिखता है, लेकिन फिर भी हम ऊपर जा रहे हैं। पैकिंग वैकिंग सारी हो चुकी है, पाजी भी रेडी है, गाड़ी भी स्टार्ट हो चुकी है, तो चलिए फटाफट ऊपर जाते हैं और रहना देखते हैं समुद्र लेक का थोड़ा सा नज़ारा। धूप क्लियर नहीं निकलने की वजह से लेक वैसा नहीं दिख रहा जैसा दिखता है। तो अगर लेक को अगर आपको देखना है जब 90 डिग्री पे सूरज हो तब आप उसका बहुत अच्छा नज़ारा ले सकते हैं। खैर अभी भी ले सकते थे लेकिन अभी थोड़ा बहुत क्लाउडी है इसलिए लेक उतना अच्छा नहीं दिख रहा है। वैसे ये पूरा ब्लू पानी है, कहीं कहीं पे ग्रीन है, कहीं पे ब्लैक टाइप का दिखता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ वाटर है इसमें। और जैसे पेंगोंग लेक था वैसे ही ये भी है, लेकिन ये कि पेंगोंग लेक काफ़ी बड़ा है, ये भी अच्छा खासा बड़ा है लेकिन उससे थोड़ा कम है। यहाँ से हम लोग निकल चुके हैं लेक की तरफ, और यहाँ से सोमोरी लेक से लेकर के माहे तक पूरा ऑफ रोड है, और वो भी ना भयानक वाला ऑफ रोड। ऐसा नहीं है कि आप है ना, होता है कि थोड़ा सा ज़मीन थोड़ी सी प्लेन है तो आदमी चलो चलाता है, ये ऐसा नहीं है, बिल्कुल अबर खबर टाइप का ये रोड है। ऐसा है कि हम अभी फाइनली पहुंच चुके हैं लेह, और लेह में रुके हैं लंच करने के लिए। वक्त अभी लगभग कितना 3:11 हो रहा है, और लगभग हमने 220 किलोमीटर का सफ़र तय कर लिया है। और अब जो हमारा इरादा है कि यहाँ से अभी हमारे पास और भी काफ़ी ज़्यादा टाइम है, तो हम सोच रहे हैं कि है ना जितना ज़्यादा हो सकता है कवर कर लें। वैसे हमारा इरादा था कि लेह में है ना आज स्टे करेंगे, लेकिन पाजी ने कहा कि एक दिन स्टे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, जब तक
गाड़ी चलती है, चलते हैं, जितना ज़्यादा डिस्टेंस हम कवर कर लेंगे उतना ज़्यादा हमारे लिए बेहतर है। तो मैंने भी कहा चलो कोई बात नहीं है। तो अभी का सीन ये है कि हम यहाँ पे रुके, एक पंजाबी ढाबा एक देखा हमने कि यहाँ पे है, तो पूछते हैं यहाँ पे खाने में क्या है। क्या है खाने में भैया? राजमा चावल है। ऐसा है कि हमने खाना खा लिया और अब हम लेह से निकल रहे हैं गारगिल की तरफ, और जितना भी एरिया कवर हो पाता है हम करेंगे आज। अभी रास्ते में हमें मैग्नेटिक हिल और गुरुद्वारा पत्थर साहिब देखने को मिलेगा। जगह पे हैं, ये है गुरुद्वारा पत्थर साहिब, और ये सिख कम्युनिटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है क्योंकि यहाँ पे गुरु नानक देव जी यहाँ पे बैठ के प्रे कर रहे थे, तो ऊपर से एक शैतान जो है वो ऊपर से पत्थर गिराया था, और वो पत्थर जब उनके ऊपर जाकर के लगा तो वो मोम की शक्ल में उनके शेप में बन गया। तो अंदर में तो कैमरा अलाउड नहीं था लेकिन मैंने एक फ़ोटो लिया है, और पिछली बार जब हम आए थे लेह से तो उस टाइम मैंने एक अच्छा खासा वीडियो बनाया था, तो अगर आप चाहें तो वो वाला आप पूरा व्लॉग देख सकते हैं, तो उसमें मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। और यही वो पहाड़ है जिसके ऊपर से हमारे लैंग्वेज में अगर कहें तो शैतान, और पाजी की लैंग्वेज में पाजी, ऊपर से जिसने पत्थर गिराया था उसको आप क्या बोलते हैं? शैतान। हाँ, राक्षस था। राक्षस था तो इंसान ही। अच्छा अच्छा क्या बात है, जब बंदा किसी चीज़ से आके जाता है ना दुखी हो जाता है। हाँ, हाँ। तो फिर वो थोड़ा गलत कामों में। अच्छा अच्छा, वैसे हमारी लैंग्वेज में अगर कहा जाए तो शैतान कहेंगे उसको। उसने पत्थर गिराया यहाँ से तो वो पत्थर जो है मोम की शक्ल में मोम बन गया, और वो जो गुरु नानक देव जी जहाँ पे बैठे थे वो क्या हो गया कि उनके उनका जो बॉडी का जो शेप था वो शेप ले लिया उस पत्थर ने, तो वो अभी भी वहाँ पे पत्थर रखा है। तो लोग ऊपर पत्थर भी मारे उन्होंने, राक्षस पैर मारे राक्षस ने आके ना। अच्छा अच्छा हाँ, फिर एक है ना वो पंजे का भी निशान है, गुस्से में आ गए ना। हाँ, वो ये अभी तक मरे नहीं है। तो ये उस हिसाब से हमारे जो सिख कौम के भाई लोग हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, जैसे हमारे पाजी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है ना पाजी। तो चलिए अब यहाँ से ना निकलते हैं, काफ़ी देर हम यहाँ पे रुक गए हैं, और देखते हैं कितना डिस्टेंस कवर कर पाते हैं। अगर कोई अच्छा जगह मिला तो वहाँ पे रूम लेकर के आज स्टे कर लेंगे। ऐसा है कि और पत्थर साहिब से निकले हुए हमें 2 घंटा हो गए और हम कारगिल की तरफ बढ़े। मैंने अभी तक आपको नहीं बताया कि हम किधर जा रहे हैं, असल में हम कारगिल की तरफ जा रहे हैं। जंसकारा वैली जाना हो तो आपको कारगिल जाना पड़ेगा, और अब हम यहाँ पे रुके हैं। ये है मून लैंड, आप इसका ये लैंडस्केप देख सकते हैं ये किस तरीके से ये दिख रहा है। बाज़ाब्ता वहाँ पर बोर्ड लगा है मून लैंड का, तो एक तो लैंडस्केप भी बड़ा चेंज लग रहा है, और दूसरी बात कि आप ये देख सकते हैं इसकी जो कलर है, और हम तो इसको छू नहीं सकते लेकिन मेरे को लगता है ये पूरा मिट्टी है ऐसा लग रहा है। तो मैंने सोचा कि इसको दिखाई देते हैं आप लोगों को भी, और आप लोग भी जब है ना लेह से कारगिल वाले रोड में आओगे तो इधर देखना ये ऐसा लैंडस्केप दिखेगा, और बहुत शानदार दिख रहा है ये।
अभी यहाँ से कारगिल जो है वो लगभग 100 किलोमीटर होगा भाजी, 100-120 किलोमीटर है ना? हाँ 100-120 किलोमीटर होगा। और हम आज कारगिल किसी भी हाल में पहुँच कर रहेंगे। घर वाले वो वहाँ ठीक हुए उनसे। अच्छा देखिए भाई, सीन ऐसा है कि अभी लगभग रात के 11 बज रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं कारगिल। और सुबह 9:30 में निकले थे हम सोमोरेरी लेक से और अभी 11 बजे कारगिल पहुंचे। लगभग 500 किलोमीटर आज हमने सफ़र तय किया है। और दूसरी बात यह कि कल रात में हम ठीक ढंग से सो नहीं पाए थे सोमोरेरी लेक में। तो अभी का सीन ये है कि हमने कारगिल में ये रूम लिया है और इसका हमें 900 रुपये पे करना पड़ा। यह ऐसा कुछ रूम है। यहाँ से खाने का सीन ये है कि खाना हमने यहीं से, जिनका होटल है उनसे ऑर्डर किया था, 4 रोटी और दाल मखनी। और हमने माशाल्लाह खा लिया खाना, खाना बहुत शानदार था। और अभी का सीन ये है कि अब हम नहीं, कल का सीन ये है कि कल हम कल की बात कल करेंगे, है ना भाजी? है ना, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं ना भाजी, रात को बात नहीं करते, थोड़ा सस्पेंस रखते हैं बात, है ना? कल की बात कल करेंगे, इसलिए कल के ब्लॉग में देखना। तो अभी का जो ये ब्लॉग है इसको यहीं पर समाप्त करते हैं। तो आई होप कि आज का ये जो ब्लॉग है आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ यार लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।